तो गाइस इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक इंची की वाइंडिंग कैसे की जाती है। तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में, और कॉइल की लंबाई कितनी रखनी है, कॉइल में जो टन्ने हैं जो कितने चक्कर घुमाना है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो ये एक इंची की स्टैम्पिंग है, मारुति बोलते हैं इसको, एपी भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बुलेट फर्राटा में ज़्यादा लगती है और मिनी किट भी बनता है। तो इसकी कॉइल की लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 29 इंची गोलाई में। और इसके बाद जो इसमें हम टन्ने डाल रहे हैं रनिंग का, वो डालेंगे 270 टन्ने डालेंगे, 270 चक्कर मतलब तार घूमेगी उस पर। और दूसरा इसमें जो तार रहेगी वो रहेगी 33 नंबर से। तो अभी हमने पेपर तो कंप्लीट कर लिया, पेपर डालना सभी लोग जानते हैं। तो कॉइल हम डाल रहे हैं, और कॉइल का जो सिरा रहेगा वो हमारी तरफ ही रहेगा, क्योंकि जब सिरा अपनी तरफ रखेंगे दोनों का तो कनेक्शन सेम ही रहेगा। अगर सिरा दूसरी तरफ कर देते हैं तो उसका कनेक्शन दूसरी तरह से होगा। तो अभी हमें रनिंग वाली कॉइल जो है डाल रहे हैं। और कई सारे लोग पहले वाली वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आपने डाटा सही नहीं बताया, कॉइल नहीं जा रही है। तो कॉइल भाई इतनी आसानी से नहीं जाती है, और कॉइल डालने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है। और मैं यहाँ पे कॉइल जो डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ 290 टन्ने हैं 33 नंबर अल्मीनियम तार से। स्टार्टिंग वाली का अभी मैं बताऊँगा, जब स्टार्टिंग वाली डालूँगा तब। तो आप अभी देख सकते हैं, इसके बाद हमें टैप भी लगाना पड़ेगा। तो पहले रनिंग वाली कॉइल जो है हम डाल लेते हैं। तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 99% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और वीडियो को पूरा देखा करो, आप स्किप करके देखोगे तो आधी अधूरी जानकारी ले जाओगी, पूरी जानकारी नहीं ले जाओगी। और यहाँ पर मैंने रनिंग वाली कॉइल डाल दी है, तो यहाँ पर मैं इसमें टैप लगाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सिरा किस तरफ है, और इसका जो क्रॉसिंग होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ को आई है, एक ही कोने पे नहीं है, अलग अलग कोने पे सिरा निकला है, अलग अलग कोने से वह जो है इसका क्रॉसिंग गया है। और यहाँ पर टैप कुछ इस तरह से हम लगा देंगे इसमें। तो हो सकता है आपको नॉइस भी आ रही होगी वीडियो में, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये रोड एरिया है और दुकान के साइड में काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है। तो बस इस तरह से लगाना है, उसके बाद दूसरी तरफ भी टैप लगाएंगे। आपको ध्यान देना है काम हो कैसे रहा है, और कर कैसे रहे हैं, टैप कैसे लगा रहे हैं, कॉइल को घुमा कैसे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी मोटर में तार भरना कैसे है। टाइम टू टाइम अच्छे अच्छे वीडियो भी आते रहेंगे, काफ़ी जो मदाना वगैरह हो गए या किट मोटर हो गए, सीलिंग फैन हो गए, इन सब के ऊपर वीडियो आएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी वीडियो आएंगी, तो चैनल पर बने रहना, बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी। तो ये रिंग बोलते हैं इसको, रिंग जो है बनवानी पड़ती है, किसी बिल्डिंग वाले को बोल के भी बनवा सकते हैं, बस आपको एक स्टैम्पिंग देनी है और बोल देना इस तरह से बना दो, फ़ोटो दिखा देना उसको रिंग का, वो बंदा बना देगा। तो अभी स्टार्टिंग की जो कॉइल है इसमें 270 टन्ने हैं 33 नंबर तार से, और जो इसका फर्मा है वो है 27 पे, 2 इंची छोटा है रनिंग से, क्योंकि रनिंग का फर्मा 29 था और स्टार्टिंग का फर्मा 27। तो अभी आप देख सकते हैं, कि स्टार्टिंग वाली कॉइल भी डालना चालू कर दिया, तो सिरा सेम रहेगा इसी तरफ, मेरी तरफ ये देख सकते हैं सिरा इसी तरफ रहेगा, रनिंग का भी ऐसे ही था और स्टार्टिंग का भी ऐसे ही है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग वाली कॉइल भी यहाँ पे पड़ रही है। तो जैसे ही स्टार्टिंग वाली कॉइल पड़ जाती है, मैं आपको सब कुछ कनेक्शन और
सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग वाली कॉइल भी यहाँ पे डल रही है। तो इस तरह से कुछ आपको कॉइल डालनी है, एक ही कोने पे दबा के रखेंगे और कॉइल को खींचेंगे तो मतलब आराम से खींचनी, बहुत तेज़ खींच लोगे तो कॉइल जो है छिल जाएगी, और जो कॉइल छिल जाती है तो उसमें जो है लोड नहीं रहता, कम हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मोटर जल भी जाती है अगर ज़्यादा छिल जाती है तो, और हाई भी हो जाता है मतलब लोड नहीं रहता, किसी भी तरफ घुमाओगे तभी जाके वो चलेगी, तो ऐसा भी हो जाता है। तो कॉइल को आराम से डालें, तार जो है छिलने ना पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तार को बिल्कुल भी छिलने नहीं देना है डालने के टाइम, आराम से डालनी है कॉइल, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के डालोगे तार छिल जाएगी, और एक ही बार में सारा मतलब कुछ लोग घुमा घुमा के कॉइल को मोटा कर लेते हैं, उसको एक बार में डालने की कोशिश करते हैं तो उस तरह से भी तार जो है छिल जाती है। कॉइल को पतला करके डालना है और आराम से कॉइल चली जाएगी। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कॉइल नहीं जा रही, कॉइल नहीं जा रही, तो ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। अगर मैं इसमें 270 टन्ने डाल रहा हूँ, अगर मैं इसमें 300 की टन्ने भी डालूँगा तब भी कॉइल चली जाएगी, आपके ऊपर है। अगर आपको कॉइल ज़्यादा मोटी लग रही तो आप 10-5 टन्ने कम भी कर सकते हैं, 10 क्या 15-20 टन्ने भी कम कर सकते हैं, लेकिन टन्ने जब कम करें तो सेम दोनों कॉइल में सेम टन्ने कम करें, ये नहीं कि एक में 15 टन्ने कम कर दिया, एक में 50 टन्ने कम कर दिया, तब भी जो है हाई हो जाएगा पीस और लोड नहीं लेगा, या फिर जल्दी फूंक जाएगी मोटर, जल जाएगी, तो ये सब होता है। और अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए मोटर बनानी है तो आप उसमें तार जो है ज़्यादा डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर स्टार्टिंग वाली कॉइल पड़ चुकी है और इसके बाद कनेक्शन करना है, पहले पीछे वाला धागा लगाते हैं इसका। तो कनेक्शन जो है चार हैं, रनिंग के दो और स्टार्टिंग के दो, इनको हम लपेट देते हैं, इसके बाद पीछे का धागा लगा देते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीछे का धागा कुछ इस तरह से हम लगा देंगे, इसको भी आप बना सकते हैं, जो चीज़ मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सुई बोलते हैं, इसको आप साइकिल की तिकली से घुमा के बना लेना, उसके बाद इसमें वेल्डिंग करवा देना, और वेल्डिंग करवाने के बाद ऊपर से जो है किसी ग्लेंडर पे, रेती पे या किसी पत्थर पे रगड़ के इसको नुकीला कर देना आगे के साथ जो वेल्डिंग कराया है, बस आपकी सुई बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बना लेते हैं अपना काम चलाने के लिए, और इस तरह से पीछे का धागा लगा के उसके बाद हम कनेक्शन करना आपको सिखा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि धागा तो लग चुका है और बहुत ही फास्ट तरीके से। तो बस, और मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दिया, और कनेक्शन आप देख लें यहाँ पे, और वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो से कुछ जानकारी मिली है अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे स्लीप चढ़ाएंगे, लीड बांधेंगे, धागा लगाएंगे, ये सब काम है। तो आगे की वीडियो आप देखिए म्यूजिक के साथ।
Thank you.